मुंबई की तरफ जितने भी शिव मंदिर होती है ना, हाँ जी, वहाँ पे शिवलिंग के सामने कछुआ दिखाया जाता है, तो क्या मतलब है? कहते हैं विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार है, बाबा जिसे कहते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार धारण करते हैं, वो कछुआ कहते हैं उसकी पीठ बहुत मजबूत होती है, जरूर कहेंगे। कि बाप दादा बैकबोन बनता है, सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन का आधार भी कछुआ बना, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया, और कछुआ उसका आधार बना। कहते हैं कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, फिर कहते हैं सांप के फन पर टिकी हुई है, अब वास्तव में बंबई तो हर हर बम बम की नगरी है, माया की नगरी है, और माया की नगरी में बाप का भी राज चलता है, इसलिए कृष्ण को यादवों का हेड दिखाया गया है, वो लोग कृष्ण को भगवान समझते हैं। यादवों की राजधानी मायावी नगरी में थी, बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, महलमाड़ियां थी, बड़े धनाढ्य होते थे, बम्बई भी दक्षिण भारत की राजधानी है, जिसे बम्बई के लिए बोला है, कि पैसे वालों की नगरी है, भक्ति मार्ग में पैसों को ही माया समझ लेते हैं, तो जहां जहां भी मंदिर दिखाए हैं वहां वहां वो कछुआ दिखाया गया है, जो अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है, ये राजयोग का सूचक है। राजयोग सिद्ध तब ही होता है जब इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, और उसका सिद्धि का सिंबल तभी चैतन्य में तैयार होता है जब विष्णु रूप बनता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का रूप, लक्ष्मी भी साथ में है, नारायण भी साथ में है, साथ में होते हुए भी इंद्रियां कंट्रोल में रहें,
वो यादगार नई दिन वो पुरानी दुनिया में दिखाया गया है बंबई में माया की नगरी में। और ये माया की नगरी दक्षिण भारत में है जो भारत का विदेश कहा जाता है। मंथन में सहयोगी भी पहला कदम आगे बढ़ाते हैं दक्षिण भारत के लोग, बुद्धि में तीखे होते हैं तो मंथन करने में बुद्धि भी ज्यादा चलती है। बुद्धि ज्यादा चलती है तो रत्न भी बहुत निकलते हैं। और बाप के लिए तो कहा ही गया है कि बाप विदेशी बन करके आता है, तो जब विदेशी बन करके आएगा तो ज्यादा सहयोग किसको देगा है? विदेशियों को ही पहले निकालता है और विदेशियों को ही सहयोग देता है। क्यों? क्योंकि देशियों को तो भाषा का सहयोग मिल जाता है और विदेशियों को भाषा तो आती नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को बोलना नहीं आता है तो बात समझ में भी नहीं आती है जल्दी, तो विदेशियों का विशेष सहयोगी बनता है बाप। और वो विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं तो भाषा ना आने के बावजूद भी असली बात को पहले पहचान लेते हैं। तो वो आठवां नारायण है जो कछुआ की यादगार है। इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है और जब चाहता है तो विस्तार भी बहुत कर लेता है। और दुनिया में जितने भी एटॉमिक रिएक्टर है वो सब का रूप जो है शिवलिंग का रूप ही दिखाया गया है। एटॉमिक रिएक्टर का रूप जो है बाहर का रूप जो है वो बाहर से देखोगे तो शिवलिंग को शिवलिंग का ही दिखाई देगा। ऐसे क्यों? वो कोई गोल आकार में क्यों नहीं दिखाया गया या और कोई आकार में? क्योंकि जो शिवलिंग है वो भी तो बम्ब के आकार का है। और उसके यादगार भी बनी हुई है। दुनिया में जब पापों का हरण करता है तो क्या बोलते हैं? हर हर बम बम। जब तक वो बम फटाके न हो तब तक सारी दुनिया के पापों का हरण होता नहीं है। इसलिए जो भी रिएक्टर हैं वहाँ यादगार यही बनी हुई है। किसकी? बम बम की। और ब्रह्मा की जो पूजा जो होती है वो भारत में पुष्कर और ये सब तट में होती है। पूजा होती ही नहीं वहाँ। यादगार भी जो बनी हुई है, यादगार बनी हुई है लेकिन थाईलैंड में उसको एरवान के नाम से जाना जाता है और उसकी हर जगह में पूजा होती है। और थाईलैंड खेरा एक बोधियों का राज्य है, वहाँ पर ये ब्रह्मा का कहाँ इतना महिमा का क्यों करते हो लोग? दो शक्तियाँ हैं, एक बाप प्रजापिता और एक ब्रह्मा। बाप बाहर संभालता है कि अंदर संभालता है? बाप बाहर संभालता है और माँ अंदर संभालती है। तो झाड़ के चित्र में
जो दाई ओर के भारतीय धर्म हैं, वो भारत के देश के अंदर से पनपते हैं, वो मात्र प्रधान धर्म हैं, माता को फॉलो करने वाले हैं, उनमें बौद्ध धर्म मुख्य है। किसको फॉलो करने वाला है? ब्रह्मा माता को फॉलो करने वाला है। इसलिए थाईलैंड में ऐसी यादगार बनी हुई है। बाकी जो विदेश हैं, इस्लामी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, इन सबको कंट्रोल करने वाला बाप है। ये राक्षसी संप्रदाय हैं। जो माँ के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, माँ की गोद में पालना तो लेते हैं, लेकिन पालना का उजूरा वो नहीं देते हैं, तो उनको पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाप तैनात है। इसलिए बौद्ध धर्म सन्यास धर्म है। ऐसे नहीं कि सन्यासी कलयुग से थोड़ा पहले आए, नहीं, बौद्ध धर्म जब से निकला तब से ही सन्यासी भी निकले। वो भारत में सन्यास धर्म पनपता है। अंत में जाकर वो सन्यासी भी विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं। और कल्पवृक्ष में, कल्पवृक्ष में जब बाबा पूछते हैं ये महात्मा बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक मेंशन करते हैं, लेकिन इब्राहिम और मोहम्मद को कभी भी मेंशन नहीं करते, क्या वो दोनों को ले आकर इसके भी नहीं बनता है क्या? क्या पूछ रहे हैं ये? कल्पवृक्ष के चित्र में बाबा बाकी सभी धर्मगुरुओं का नाम लेते हैं, लेकिन इब्राहिम और इसका मोहम्मद का, मोहम्मद का नाम नहीं लेते। मुस्लिम धर्म कहाँ से स्थापन हुआ? वो का है, उनको धर्म पिता के नाम पर ही तो धर्म का नाम पड़ता है। धर्म का नाम पड़ता है, ये निराकार कभी भी मेंशन नहीं करता। माना जो पुराना है बहुत, उसका चित्र ही नहीं मिलता। जब चित्र ही नहीं मिलता तो निराकारी स्टेज का प्रूफ न होने के कारण वो नहीं बताया जाता। बाकी मोहम्मद के तो चित्र इसलिए नहीं दिखाए जाते हैं कि मोहम्मद ने तो सभी चित्रों का खंडन कर दिया, सभी मूर्तियों का खंडन कर दिया। वो तो बुत परस्त था ही नहीं, बुत परिस्थिति को खत्म ही कर दिया उन्होंने, तो वो अपना बुत कैसे बना सकते थे? इसलिए अपने बुत भी नहीं बनाने दिए और दूसरे बुतों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए मोहम्मद का कोई चित्र नहीं मिलता है निराकारी स्टेज का। इब्राहिम पुराना बहुत है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है चित्रों के द्वारा। और
क्लास जल्दी पूरा करना है। चित्र में वो पीला रेख है ना, ऊपर से नीचे तक वो क्या पीली रेखा पीला रेखा वो संगम युग का ऊपर लकीर की आत्मा ऊपर जाते हुए याद की यात्रा दिखाई गई है, सात्विक स्टेज दिखाई गई है कि आत्माएं सात्विक स्टेज में ऊंची उड़ती हैं। सत्युग का रंग पीला है, त्रेता का रंग कबूतरी है, द्वापर का रंग लाल है रजो प्रधान, और कलयुग का काला है। तो जो पीला पीले रंग में याद की यात्रा दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि सभी आत्माएं सात्विक स्टेज में ऊपर उड़ती हैं, झुंड की झुंड। तो जैसे रात में आकाश गंगा दिखाई जाती है, तो छोटे छोटे सितारों का पूरा रास्ता बन जाता है ना, ऐसे ही वो दिखाने के लिए समझाने के लिए दिखाया है। बाकी ऐसी कोई रेखा बनती थोड़े ही है। झुंड के झुंड आत्माएं यूनिटी बना करके अपने अपने ग्रुप में वापस परमधाम जाती है। सूर्यवंशी आत्माएं जावेंगी वो भी सतो प्रधान स्टेज में जावेंगी, चंद्रवंशी आत्माओं का झुंड जावेगा वो भी सतो प्रधान स्टेज में जावेगा, इस्लामी बौद्ध ही अपना अपना झुंड बनाकर जावेंगे वो भी सतो प्रधान स्टेज में जावेंगे। तो सात्विकता की स्टेज दिखाई गई है क्योंकि सभी आत्माओं को पहले जन्म में कम से कम स्वर्गीय अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता है। चढ़ती कला की अनुभूति में रहते हैं, गिरती कला की अनुभूति में नहीं रहते। सदगति का अनुभव होता है, पहले जन्म में कोई को भी दुर्गति का अनुभव नहीं होता है। बाबा आज तो मुरली में माउंट आबू के बारे में आया, आगे चलकर बहुत मशहूर हो जाएगी। तो बाप की प्रत्यक्षता होगी सारे संसार में, अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, चारों तरफ जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, प्रूफ सहित हर धर्म के लोग अपने अपने शास्त्रों से टैली करके साबित करेंगे कि यही सच्चाई है। साइंसदान साइंस के गुरुओं को सामने रख करके सच्चाई को प्रत्यक्ष करेंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट अपने तरीके से ग्रहों नवग्रहों के आधार पर भगवान को साबित करेंगे, ऐसे ज्योतिषी वो भी साबित करेंगे, जो ज्योग्राफियंस हैं भूगोल वेत्ता वो अपने आधार पर साबित करेंगे, हिस्ट्री जानने वाले जो इतिहास वेत्ता हैं वो इतिहास के आधार पर साबित करेंगे। तो हर तरीके से जब एक ही सच्चाई साबित होगी तो उसका एक स्थान भी चाहिए कि ये सच्चाई आखिर निकली कहाँ से, दुनिया के कौन से कोने से वो सच्चाई प्रत्यक्ष हुई। तो आबू प्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रत्यक्ष हो जाएगा तब सारी दुनिया की बुद्धि एक ठिकाने जाके लगेगी। ठिकाने को कहते हैं स्थान, था
बुद्धि एक किनारे लगे, एक ठिकाने पर लगे, उसको कहते हैं तीर। तीर माने किनारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा तीर था वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। यरूशलम या मक्का मदीना या भारत के जो चार तीर्थ हैं, वो तो धर्म विशेष संप्रदाय के हैं, लेकिन वो तो ऐसा तीर्थ साबित होगा जिसको सारी दुनिया के लोग मानेंगे, क्योंकि सारी दुनिया के लोग एक ही भगवान को मानते हैं। सब जानते हैं गॉड फादर इज वन, सत्य एक है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन, सत्यम शिवम सुंदरम कहते भी हैं, तो उसका ठिकाना भी एक होना चाहिए। सर्वव्यापी की बात भी उड़ जाएगी, ठिकाना भी एक और व्यक्ति भी एक प्रत्यक्ष हो जाए, तो सारी दुनिया के लोग मान लेंगे कि सृष्टि का आदि पुरुष एक ही है। सब भले शरीर से नहीं आ सकेंगे, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे बन जाएंगे, जहां तहां बम्ब फूटते रहेंगे, एक देश से दूसरे देश में आने जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी, तो बहुतों को चाहने पर भी आना नहीं हो सकेगा, लेकिन दिलो दिमाग तो पहुंचेगा, टीवी में स्थान तो देखेंगे, अखबार में नक्शे के द्वारा तो जानेंगे, तो बुद्धि का ठिकाना सबको एक मिल जाएगा। इसलिए एक ही तीर्थ आबू बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैंने वो कब की बात है, 2018 का है, जब बाप प्रत्यक्ष होगा तब की ही बात है। 2018 में ही रामकृष्ण आश्रम, 100 वर्ष का संगम है और 18 शब्द का विशेष गायन है, तो कुछ संसार में आवाज फैलाने के लिए वो 18 वर्ष लास्ट के नुदे हुए हैं। माला प्रत्यक्ष होने लगेगी, ईश्वरीय संगठन प्रत्यक्ष होता जाएगा, तो और धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं वो भी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। उनके प्रत्यक्ष होने से उनके फॉलोअर्स का हुजूम भी निकलेगा। टीवी वालों का बाप छोड़ देगा, टीवी वालों का बाप छोड़ देगा, छोड़ देगा, फोटो निकालने का परमिशन देगा, परमिशन देगा। दुनिया में विरोधियों की संख्या बढ़ेगी घटेगी? जो बड़े बड़े धर्माधीश राज्याधीश बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची गद्दियों पर, वो अपनी गद्दी आराम से सौंप देंगे क्या? जब सच्चा प्रत्यक्ष होगा तो झूठे मुकाबला करेंगे या नहीं? झूठे मुकाबला करेंगे, तो बाप को तो युक्ति निकालनी पड़ेगी ना कि लड़ाई करवा देनी है, हैं? युक्ति निकालनी पड़ेगी, जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में अभी युक्ति निकाली हुई है, नहीं तो दूसरे धर्म संप्रदाय वाले जो धर्म के मुखिया होते हैं उनको गोली मरवा देते हैं। ऐसे हुआ है या नहीं हुआ है? निरंकारी संप्रदाय में क्या हुआ? तो इसलिए
भगवान को तो युक्ति निकालनी पड़ती है। राम का जीवन चरित्र दिखाया गया है, उसमें भी युक्ति दिखाई गई है। जंगलों में गुप्त सेना तैयार करते रहे, कृष्ण के लिए भी युक्ति दिखाई गई है कि कृष्ण भगवान गांवड़े गांवड़े में भागते रहे, कंस के हथकंडे में नहीं आए, शिशुपाल के हथकंडे में नहीं आए। शंकर को भी दिखाया है कि शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरते रहे, लेकिन उसके हाथ के नीचे नहीं आए। तो युक्ति से चलना अच्छा या फॉलोअर्स में खून खराबा करा देना अच्छा? युक्ति से मुक्ति। तो 18 के बाद भी ऐसे ही होगा, जो नियम बताया कि बाप हुजूम को इकट्ठा करके लाखों की तादाद के बीच में बैठ करके भाषण करता है क्या, कि थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ समझाता है, थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ समझाता है, पढ़ाता है? तो ऐसे ही काम चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी। दुनिया की नजरों से गुप्त होते जावेंगे और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते जावेंगे, परीक्षा भी होती रहेगी। ऐसे ही होते रहने से फिर सब दुनिया वाले कब मानेंगे? कब मान, माने देखने से ही मानते हैं क्या? गांधी जी को 40 करोड़ ने देख लिया तभी माना क्या? 40 करोड़ ने तो नहीं देखा, लेकिन 40 करोड़ उनके फॉलोअर्स बन गए या नहीं? बन गए। तो ऐसे ही 500 करोड़ की दुनिया, चाहे नास्तिक से नास्तिक व्यक्तित्व क्यों न हो, वो भगवान को मानेगा भले देखा न हो। अखबार में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे और बुद्धि से पहचानेंगे। सब मानने के बाद ही तो अबू की नाम मशहूर हो गया ना। है? अभी बाबा को मानने के बाद ही तो नाम मशहूर हो गया ना अबू का। मानने के बाद? नास्तिक वाले जब तक नहीं मानेंगे, नास्तिक धर्म के लोग, तब तक मशहूर होगा ही नहीं। नास्तिक धर्म नहीं अरे मानेगा तो फिर भी 90% 90% तो मान जाएगा। जिनको जितनी बुद्धि होगी सात्य को उतना ही मानेंगे ना, उनके मानने ना मानने से बात थोड़ी है। 8 मानेंगे तो भी विश्व में फैलाव होगा, 108 मानेंगे तो भी विश्व में सत्य का फैलाव होगा। सारी दुनिया मानेगी तो फैलाव होगा ही होगा। और बाबा, ये भाई का प्रश्न है, शिवरात्रि के दिन हर कर्नाटक में हर तरफ से धर्मस्थल नाम का जो एक तीर्थ है, धर्मस्थल नाम का एक तीर्थ है कर्नाटक में, कहाँ पर? मंगलोर की तरफ। शिवरात्रि के दिन 1 लाख लोग वहाँ पैदल जाते हैं पदयात्रा पर। 1 लाख लेने जाते हैं? 1 लाख की गिनती होती है क्या? है? 1 लाख की गिनती होती है और हर साल 1 लाख की गिनती चली आ रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो भी। अरे 50 साल पहले 1 लाख जाते होंगे, 50 साल पहले कम जाते होंगे, बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है।
एक मान्यता बन गई है कि लाखों लोग जाते हैं, गिनती करने तो कोई नहीं बैठता है। और भक्तों की संख्या दुनिया में बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। जितने भी मेले मलाखड़े लगते हैं, पहले थोड़े लोग जाते थे, फिर अगली वर्ष आता है तो संख्या बहुत बढ़ जाती है। अब भक्ति मार्ग में भक्त लोग बहुत सारे गुरु लगता रखते हैं ना, शूटिंग यहाँ पर कहाँ होती है? कहाँ होती है भक्ति मार्ग में? भक्त लोग जो है काफी सारे गुरु रखते हैं ना, तो इसकी शूटिंग यहाँ पर कब होती है? अभी गुरु नहीं बन रहे हैं, अभी विष्णु पार्टी में ढेर सारे गुरु नहीं देखने में आ रहे हैं, हैं? नहीं बनते जा रहे, तो ऐसे ही वहां भी गुरु बनते जाते हैं। एडवांस पार्टी में एक ही सदगुरु, फिर ये दूसरी पार्टियां कहाँ से निकल पड़ी? और उन पार्टियों को फॉलो करने वाले एडवांस पार्टी से नहीं निकल रहे हैं, और गुरु भी एडवांस पार्टी से निकल रहे हैं, तो सारी शूटिंग तो यहाँ होती है। अभी धीरे धीरे हर गीता पाठशाला में संगठन की संख्या कम होती जाती है या बढ़ती जा रही है? क्या हो रहा है? हैं? बढ़ती जा रही है, है? है? हर जगह संख्या घटती जा रही है, और जो संख्या घटती जा रही है उसमें भाइयों की संख्या घट रही है या माताओं की ज्यादा घट रही है? गुरु बन के भाई लोग ज्यादा बैठते हैं या माताएं बैठती हैं? भाई लोग बैठते हैं। तो ढेर के ढेर गुरु बन रहे हैं कि नहीं एडवांस पार्टी में? अनिश्चय आया और शिवो हम बन के बैठ गए। गुरु जी की पूजा होने लगी। है ब्रह्मा के जो वाक्य हैं वो वास्तव में ब्रह्मा के वाक्य नहीं है। किसके वाक्य हैं? ना शिव बाबा के वाक्य हैं, लेकिन निकले किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से निकले। इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो शिव के महावाक्य उच्चारण हुए उसे हम क्या कहते हैं? मुरली। वो मुरली का एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है। वो पत्थर की लकीर आज भी सच्ची है, पहले भी सच्ची थी, और अंत तक एक एक वाक्य सच्चा रहेगा, उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। परंतु उस पर चलने वाला 100% एक ही निकलता है, उसको कहते हैं जनार्दन। जन माने मनुष्य, अर्दन माने आवाज, जो 500 करोड़ मनुष्यों की आवाज को पहचान लेता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। वो एक ही उस ब्रह्म वाक्य को पूरा पूरा जानता है, पहचानता है और उस पर चलता है। बाकी कुछ न कुछ परसेंटेज में हिल जाते हैं, क्योंकि समझते नहीं हैं कि ब्रह्मा के बाद के पत्थर की लकीर हैं। अगर समझते हो तो चलें भी। बाबा ने कैसा कहा भला है, बाप और जब रोजा रोज धारण करता है
सब बच्चों का ईश्वर जन्म से कर प्राप्त होता है। हाँ बच्चे अधिकार प्राप्त करने के लिए बालिग होने चाहिए या नाबालिग बच्चा बुद्धि होना चाहिए? बालिग होना चाहिए, बच्चा बुद्धि नहीं होना चाहिए। और बालिग तब ही बनते हैं, समझदार तब ही बनते हैं, सालिम बुद्धि तब ही बनते हैं जब बाप रौद्र रूप धारण करता है। तब तक पुरुषार्थ में उठकर खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि जो बाप का पहला पत्ता सच्ची रंगमंच का है, कृष्ण बच्चा, वो ही बालिग नहीं बन पाता तो और बच्चे बालिग कहां से बनेंगे? जिसे एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बनती है और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बनती है, उस एक बच्चे की पढ़ाई के लिए बाप रौद्र रूप धारण करने के लिए रुका रहता है। एक वारिसदार तैयार हुआ और बस धर्मराज का पाठ शुरू हो जाता है, फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े हो जाते हैं माने पुरुषार्थ में पड़े रहते हैं कि खड़े हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। बिना टेढ़ी उंगली किए घी नहीं निकलता है। 70 साल हो गए बच्चे 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 करते हुए, कितना समझाते हैं कि अमृत बेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जो अमृत बेला सुधार चुके हैं देखने में आते हैं? नहीं तो टाइम नुदा हुआ है, अंत समय होगा और सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे। जैसे ड्रामा का अंत होता है, अंतिम सीन होता है तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सब ब्रह्मा के लिए ऐसे खड़े हैं। अरे पढ़ाई किसकी हो रही? प्यारा बच्चा कौन है? विश्व की बादशाही सत्यु की नई दुनिया में किसको मिलेगी पहले? है कृष्ण की आत्मा को मिलेगी? बाप से किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? बाप से 4.5 लाख तो प्रजा है, उस प्रजा का कोई एक सरपरस्त होगा या नहीं होगा? तो वो एक कौन है जो दुनिया का पहले पहले बच्चा है, वारसदार बच्चा है जो बाप से लेता है, स्थूल में भी लेता है, स्थूल में जन्म लेकर के लेता है, प्रैक्टिकल में बच्चा बनता है। है तथा तथा माने वैसे, कथित माने कहे हुए, तथा कथित ब्रह्मा कुमार, वैसे रूप में कहे गए ब्रह्मा कुमार। कैसे रूप में? ऐसे रूप में कहे हुए ब्रह्मा कुमार नहीं मुखवंशावली, ऐसे ब्रह्मा कुमार नहीं, कैसे
गोद में खेलने वाले बने हैं, मुखवंशावली बने हैं, लेकिन मुखवंशावली नहीं बने हैं, इसलिए तथा कथित ब्रह्मा कुमार वाला। हाँ, वो जानते भी नहीं हम कैसे ब्रह्मा कुमार हैं, कैसे ब्राह्मण हैं। समझाया जाएगा तो समझेंगे। मानेंगे सच्चाई को कि हम मुरलियों को नहीं मानते रहे, किसको मानते रहे? ब्रह्मा को मानते रहे, ब्रह्मा के बच्चे दीदी दादी दादाओं को मानते रहे, मुरलियों को फॉलो नहीं करते रहे, तो मुखवंशावली हुए या कुखवंशावली हुए? कुखवंशावली हुए। मामा माउंट आबू जाने के बाद कोई कोई बीमारी नहीं आते? कौन सी मुरली में बोला? हो आओ ना जाके, बीमारी खत्म हो जाए। हैं? अरे माउंट आबू में जाने से कुछ नहीं होता है, नियम है यथा राजा तथा प्रजा। माउंट आबू में कंट्रोल किसका? अभी पतितों का कंट्रोल है या पतित पावन बाप का कंट्रोल है? हैं? पतितों का कंट्रोल है तो जाने वालों की बीमारी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। इस दुनिया में भी पतितों का कंट्रोल है, वो तब की बात है जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, चोर चकार भाग जावेंगे। धर्म की जो स्थापना बताई गई है, स्टार्टिंग जो है इस्लाम धर्म बताई गई है, लेकिन उससे पहले भी अब्राहम के द्वारा यहूदियों का जो हुआ था उसके बारे में बताया नहीं गया। और पारसी जो है वो सूर्य को मानते हैं ज्यादा, पारसी लोग जो है सूर्य की पूजा करते हैं, तो उसके बारे में भी कहीं जाड़ पे कुछ बताया नहीं गया। वो भी काफी पुराना धर्म है पारसी और यहूदी। जो देवी देवता सनातन धर्म था, जो सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक चलता है, वो अंतिम जन्म तक, 21वें जन्म तक जो प्राप्ति करने वाले हैं, वो पारसनाथ की औलाद हैं या पत्थरों की औलाद हैं? वो पारसनाथ की औलाद हैं। तो 2500 वर्ष जब पूरा होता है और द्वापर की शुरुआत होती है, तो द्वापर युग आदि में सतो प्रधान होगा या आदि में ही रजो प्रधान हो जाएगा? सतो प्रधान होता है। तो उस समय जो जनरेशन होती है त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि में, वो कहें पारसनाथ की औलाद की संतान है। किसकी संतान है? जैसा बाप का खून होगा वैसा ही बच्चों का खून होता है। इब्राहिम की सोल तो अकेली ऊपर से नीचे उतरती है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा नहीं होते हैं। वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो पारसनाथ की औलाद हैं, संतानें हैं। परंतु युग बदल जाता है, इसलिए युग बदल जाने के कारण वो पारसियों में जो परंपराएं चलती हैं वो सात्विक परंपराएं हैं। मुर्दे को भी कहीं पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे रख देते हैं ताकि वो भी दूसरों के काम आ जाए, कल्याण की भावना उनमें रहती है, स्वार्थ की भावना नहीं रहती है।
वो द्वापर युग में भी आदि की संतानें हैं। और वो ही दो मानते हैं ना, बस जीव और ये पारसी, पारसी ईरान की तरफ से आए थे और जीव जो है वो इज़राइल आज के जेरूसलम। जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है वो मनुष्यों की लिखी हुई है या भगवान ने लिखी है? किसने लिखी है? मनुष्य विकारी हो सकते हैं, स्वार्थ के आधार पर हिस्ट्री को उल्टम पलटम कर सकते हैं। जैसे आज की हिस्ट्री में बताया जाता है आर्य लोग कहाँ से आए? ग्रीस मेसोपोटामिया की तरफ से आए, यूरोप से आए आर्य लोग, और भारत के लोग उल्लू थे, जंगली थे। ये हिस्ट्री किसने लिखी? मनुष्यों ने लिखी। उस हिस्ट्री के आधार पर हम फैसले नहीं ले सकते। आज से 2500 वर्ष पहले ये ईरान, अफगानिस्तान, अरब देश आदि थे ही नहीं, समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। 2500 वर्ष जब स्वर्ग के पूरे हुए, लोग विकारी बनने लगे, मायावी राज्य आ गया, विकारी प्रवृत्तियां जागने लगी, तो उस समय आधा विनाश हुआ है सृष्टि का। उस अर्ध विनाश के बीच में जो प्रशांत महासागर गड़ा बह, बड़ा गड्ढा बन गया है, बड़ा सागर बन गया है, बड़े से बड़ा, वो चंद्रमा का हिस्सा टूट करके उपग्रह बन गया, पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, और पृथ्वी में डावाडोल होने से ये खंड, पृथ्वी खंड ऊपर आने लगे, जिनमें सबसे पहले आए हैं अरब देश। इब्राहिम के आने के साथ ही साथ उनके खंड की भी स्थापना हुई है, उनका देश तैयार हुआ जहां वो बढ़ते फौंड़ते रहे। बाद में बहुत भी धर्म खंड आए, चीन, जापान वगैरह, वहां बहुत भी धर्म खंड पनपता रहा। अमेरिका की तो जानकारी भी नहीं थी लोगों को 500 साल पहले। पता ही नहीं था, जो लोग वहां मिले वो भी अपन को रेड इंडियंस कहलाते थे, माने इंडिया से रास्ता भूल गए, दिशा भ्रम हो गया, आगे बढ़ते 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 उन्हें अमेरिका खंड मिल गया और वहां जाकर के बस गए। ऑस्ट्रेलिया अभी 300 वर्ष पहले था ही नहीं मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर। ऑस्ट्रेलिया में हर धर्म के लोग विराजमान हुए पड़े हैं। तो जैसे जैसे दुनिया में जनरेशंस बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए धर्मखंड जल से ऊपर आने लगे, समुद्र से ऊपर आ गए, और उन धर्मों की जनसंख्या उन धर्मखंडों में फैल गई। नहीं तो सभी पहले भारतवासी थे, भारत में ही जनसंख्या थी, दूसरे देशों में पानी ही पानी भरा हुआ था 2500 साल पहले, वो समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। और बाहर की दुनिया में देखा जाता है इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और न्याय मिलने, न्याय पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और छोटा ही सच होने लगता है, छोटा ही सच लगने लगता है, तो यहाँ भगवान के होते हुए भी इसकी शक्ति कैसे होती है?
कहाँ है भगवान? तुम भगवान को साबित करोगे? करोगे है? तुम भगवान को साबित करोगे कहाँ है? सर को करो साबित कहाँ है? जब हम भगवान को साबित नहीं कर सकते तो भगवान कैसे साबित होगा? कहाँ है? हमारी बुद्धि में ही आज निश्चय और कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो पहले तो हमारा दिल माने भगवान है। हमारा दिल ही नहीं मानता भगवान है, आज है कल नहीं है। तो जब भगवान ही नहीं है तो न्याय भी नहीं है। सत्य असत्य का निर्णायक भगवान के सिवाय और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा न्यायाधीश है एक भगवान, उसको हम साबित ही नहीं कर सकते। हम अपने दिल के अंदर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो कैसे कहते हैं हम यहाँ कि यहाँ भगवान है? ज्ञान क्या? वो ज्ञान हमें बताओ कौन सा ज्ञान है? बताओ कहाँ है भगवान? जिसे आज हम कहते हैं ये भगवान है, कल उससे लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान नहीं तो शैतान है। हमारी मति में तो विभ्रम हो गया था, लाओ वापस करो हमने जो दिया था। एक घड़ी में भगवान शैतान बन जाते हैं। क्या बोला? मैंने इसको बड़ा पेट क्यों? दो पेट होते हैं, एक शरीर का पेट होता है और एक आत्मा का पेट होता है। क्या? जो गणेश नाम पड़ा है वो बेहद का रूहानी नाम है, जिस्मानी नाम नहीं है। ये पेट नहीं, वो बेहद का बुद्धि का पेट बड़ा दिखाने के लिए बड़ा पेट दिखाया है। जानवरों में ज्यादा समझदार जानवर कौन सा होता है? हाथी। और हाथी का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? हैं? पेट। तो वो गणेश कोई हाथी नहीं था। ऐसे नहीं कि गणेश की आत्मा ने हाथी का जन्म लिया। हाथी का जन्म लिया था क्या? मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म में जाती है? अरे हाँ ना कर, जाती है कि नहीं है? मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है? नहीं जाती है। तो गणेश ने कोई हाथी का जन्म नहीं लिया, ये उनका काम के आधार पर नाम दिखाया है कि उनकी बुद्धि बड़ी थी, विशाल थी, इसलिए उनका पेट बड़ा दिखाया है। वो आत्मा का पेट है, रूहानी पेट है, वो जिस्मानी पेट नहीं है। और बाबा सफेद कद्दू है ना? बाबा सफेद कद्दू, वो खेले तो ब्राह्मण को बहुत प्राप्त होता है, वो सेहत में क्या है? सेहत में क्या है? क्या होता है सफेद कद्दू है ना, उसमें पैसा रखे देने तो ब्राह्मण को देने तो दान बहुत प्राप्ति होता है। ये किसने कहा? अरे भक्ति मार्ग में भी कोई समाज विशेष होगा ना, हर जगह की ये मान्यता नहीं है। हम जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दो। भक्ति मार्ग में जो कद्दू के ऊपर पैसा रख करके ब्राह्मण को दान देते हैं,
वो हिंदुस्तान का कौन सा एरिया है, कौन से धर्म संप्रदाय के लोग हैं, कौन से धर्म संप्रदाय के लोग ऐसे भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं जिनके आधार पर इनकी मान्यता है, वो मान्यता का आधार बताओ पहले। किसने शुरुआत की ये बात? ब्राह्मण लोगों ने शुरू की। हर जगह तो नहीं है सर, उत्तर भारत में तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हाँ दक्षिण भारत में है, तो वो मान्यता का पूरा आधार बताओ ना पहले। कुछ कुछ करते हैं ना, कुछ कुछ करते हैं तो कुछ कुछ समय देते हैं ना, है? समय देते हैं ना, हाँ में। हाँ तो कौन सा संप्रदाय है जहाँ ये दिया जाता है? वो मकान बनाते हैं ना, नया मकान कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं। फिर भी उसमें वो बिंदु डाल के वो तोड़ के रखते हैं। अब वो संप्रदाय वाले पूरी बात बताएं तभी तो पता चले। हैं? और ये दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है, ये कंबोडिया देश में अंकोरवाट शहर में है। तो वो 1000 साल पुराना मंदिर है, तो ये अंकोरवाट का बेहद का क्या हो सकता है जब कंबोडिया बुद्धिस्ट देश है? अंकोरवाट का बेहद का क्या हो सकता है? हमको तो कहते हैं छोटे पौधे को, पौधे की जो जन्म होता है तो जन्म के टाइम पर उस पौधे का नाम पड़ता है अंकुर। क्या? हाँ हो सकता है कि कंबोडिया में कोई ऐसा निकला हो अंत में बड़ा व्यक्तित्व जो दुनिया में आवाज फैलाने के निमित्त बने, तो वहां मंदिर भी बड़ा बना दिया गया यादगार। बाकी बड़ा मंदिर बनाना छोटा मंदिर बनाना ये भारत में तो कहा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर सबसे ज्यादा यादगार जहाँ है वो तिरुपति है, लेकिन जो तिरुपति यादगार बनी हुई है उससे ये साबित तो नहीं होता। तिरुपति में जो बालाजी हैं उन्होंने वहां यादगार तैयार की नहीं, यादगार का फाउंडेशन दक्षिण भारत में पड़ा है। मंदिर माने घर, जो आत्माएं हैं उनका दिल ही घर है, मन ही मंदिर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के मन मन जन जन के मन मंदिर में वो याद स्थापन हो गई तो बड़ा मंदिर बन गया। पुराना मंदिर भी है, तो ऐसे ही कंबोडिया में जो मंदिर बड़ा बना हुआ है वो अभी शूटिंग का टाइम चल रहा है, आगे चल करके प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ कोटि लिंगेश्वर का यादगार क्या है? कोटि माने करोड़, नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया की सचिवी जो स्टेज है वो नई दुनिया कही जाती है, उसमें भी आधा टाइम नहीं कहेंगे,
सतयुग में भी आधा टाइम नया सतयुग और आधा टाइम पुराना सतयुग, नया सतयुग और पुराना सतयुग दोनों को मिलाकर के आबादी कितनी होती है? 2 करोड़। तो नए सतयुग में 4 जन्मों में जो 1 करोड़ आबादी होगी, वो 1 करोड़ आबादी की आत्माएं इस समय पुरुषार्थ करेंगी संगम युग में। उनमें प्रजावर्ग की आत्माएं भी होंगी और राजघराना भी होगा। यथा राजा तथा प्रजा वर्ग वाली आत्माएं होंगी। तो राजघराने की जो आत्माएं होंगी वो सब आत्मिक स्थिति वाली होंगी या देवान वाली होंगी? 1 करोड़ आत्मिक स्थिति वाली होंगी। जो आत्मा की स्थिति है वो लिंगाकार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिंगाकार कितने हुए? 1 करोड़ हुए। तो वो 1 करोड़ कोटि लिंगेश्वर का यादगार है। सब फलों का बीज फलों के अंदर रहता है। लेकिन काजू का बीज बाहर रहता है, ऐसा होता है? है? काजू का तो गुच्छा होता है, गुच्छा होता है कि नहीं? काजू का पूरा गुच्छा आता है, गुच्छा। और गुच्छे में वो सारा इकट्ठा काजू होता है, अलग 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 दाने। तो दाना पहले बनता है या उसके ऊपर कवर पहले बनेगा? अरे, कोई भी बीज का छिलका पहले तैयार होता है या अंदर का बीज पहले तैयार होता है? छिलका तैयार होता है। गलत लिख दिया है। ऐसा कोई बीज नहीं होता जो बीज पहले हो और उसका छिलका बाद में तैयार हो। उसके ऊपर भी छिलका होता है, काजू के ऊपर भी छिलका होता है, भले बाहर रहे तो भी छिलके के अंदर रहता है। ऐसा कोई बीज नहीं होता जो छिलके के अंदर ना हो। दुनिया के जितने भी बीज हैं उनके ऊपर देह अभिमान का छिलका जरूर चढ़ता है। और धर्मराज का सजा, धर्मराज की सजा के बाद दुष्ट संकल्प आएंगे या नहीं? जब सजा मिल गई तो आत्मा सज जाएगी। धर्मराज की सजा आत्मा को सजा देगी या बिगाड़ देगी? आत्मा सजाए दी जाएगी दिव्य गुणों से, बिगड़ेगी नहीं। धर्मराज की सजा अच्छी चीज है या खराब चीज है? हैं? अच्छी चीज है। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक आत्मा परमधाम वापस नहीं जाएगी, और जब तक परमधाम वापस नहीं जाएगी तब तक उसको सदगति नहीं मिलेगी। और हाँ, हैं? बीमारी में दुख नहीं होता है? हैं? बीमारी अच्छी है, क्योंकि बीमारी आने से धर्मराज की सजाएं कम होंगी, और धर्मराज की सजाएं जितनी हम कम खाएंगे उतना हमारा पद ऊंचा होगा। तो धर्मराज की सजा खाना अच्छा है या बुरा? हाँ,
जब हिमालय की सजा उतना मिलता है क्या पद नीचे होता है और क्या तुम क्या समझते थे तो मतलब बाबा पर बोलते थे ऊपर चलेगा हाँ अभी हाँ कैसे ऊपर चलेगा सजाएं ज्यादा खाएगा इसका मतलब बाद में ऊपर चढ़ेगा और हमसे ऊपर निकल जाएंगे पहले ही जो कम सजा खाने वाले हैं वो पहले ही ऊपर चले गए और हम ज्यादा सजा खाते रहे तो हमारी ज्यादा सजाएं बढ़ती जाएंगी और हमारा नंबर नीचे हो जाएगा अच्छी बात है ओम शांति।